तो दोस्तों हम अभी जा रहे हैं घर। एक्चुअली बुढ़म से मैं आता जाता दुकानें बंद है, तो साथ हम लोग का गांव वाले मिले, बच्चे मन के सच्चे सारा चौथे के दारू पी रहे हैं, पावर पी रहे हैं। मतलब पावर बढ़ जाएगा ना तो मर जाएगा। मेरे को देख मैं कुछ हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है फिर से मेरे और एक नए ब्लॉग में। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ बड़ोमसा, क्योंकि मेरे दांत में एक दांत भुक रहा है या खीरे पर गया पता नहीं चल रहा है, इसलिए जा रहा हूँ मैं बड़ोमसा। तो वहाँ मैं दवाइयाँ वगैरह या वैक्सीन वगैरह ले लूँगा। अब मिलते हैं डायरेक्ट। हम अभी पहुँच चुके हैं दुकान और बाइक में तेल डाल रहा है और ये रहा मारो जिक्रो। तो गाइस आजकल मेरा पूरा जीना हराम हो गया है पूरा, और काफ़ी बताया खाना भी खाने के लिए नहीं सकते हैं, पानी भी पीने के लिए नहीं सकते, काफ़ी दर्द देता है, या दांत भूख रहा है या खीरे पर गया पता नहीं। तो आ जाएंगे मेडिकल पे, तो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाएंगे, पूरी तरह से इलाज करके आएंगे। वैसे भी काफ़ी गर्म है, काफ़ी गर्म है गाइस, क्या करें कैसे जाए इतने गर्मी में। और इधर है मारो जिक्रो, अब पुराना वाला बेच दिया है, वो खतरा बेच दिया है, अब नया लिए है वो भी इंस्टॉलमेंट में। गाइस इधर जस्वी वगैरह, गाइस जस्वी वगैरह खोद रहा है, यार सब कहाँ जा रहा है। तो देखो गाइस ये है धान का खेत, यहाँ में सब धान का खेत किया जाता है। इस साइड वाला ने किया और इस साइड वाला ऊपर में वाला ऊपर में किया है, और इस साइड के चारों तरफ पूरा धान का खेत। दोस्तों हम अभी पहुँचे हैं मावनसंग, और यहाँ हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी गर्मी है, हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। और देखिए पूरा जंगल है, और इस तरफ मतलब बॉर्डर साइड जाता है, और इस ये है माउंटेन, ये माउंटेन गांव है, और यहाँ में थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, जाएंगे बाद में 5-6 महीने के बाद, क्योंकि बहुत ही गर्मी लग रही है। तो भाई इतना गर्मी में मर जाएंगे। आजकल मैं सोच रहा हूँ कि क्यों मैं भी ना टाइम सेट कर लूँ वीडियो अपलोड करने में, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम लोग का गाँव में नेट बहुत ही स्लो चलता है, और बोलता है लगभग पूरा 11 घंटे से 12 घंटे तक लग जाते हैं, इतना मतलब दिक्कत है, नेट इतना स्लो है हम लोगों का गांव में, इसलिए पूरा नेटवर्क का इशू है, बहुत तकलीफ होती है वीडियो वगैरह अपलोड करने में। इसलिए हम सोच रहे हैं कि टाइम सेट कर ले, 8 बजे को ऐसे कुछ टाइम वगैरह सेट करेंगे, तो कल से 8 बजे कोई वीडियो वगैरह आएंगे, अगर 8 बजे से ज़्यादा हो गया तो वीडियो वगैरह अपलोड नहीं करेंगे, चाहे 1 दिन लेट हो जाए चाहे 2 दिन लेट हो जाए। तो गाइस अभी सीधा चलते हैं बॉर्डर पे। काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब हाथ से काफ़ी प्रॉब्लम होती है फोटो ब्लॉगिंग करने में, तो सेट वगैरह लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा फोटो ब्लॉगिंग करने में, और इजी होगा। और देखिए गाइस इतना सारा धूप, बहुत तेज धूप है, अब आके वो थोड़ा ठंडा लग रहा है। गाइस ये है मंदिर, ये मंदिर का नाम क्या है हम तो पता नहीं, बड़ोमसा का यही मंदिर है। तो दोस्तों अब यहाँ में धान वगैरह लगा रहा है, क्योंकि अभी धान लगाने का सीज़न आ गया है,
और ये देखिए गाइस ग्राफिक बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। लेकिन बहुत तेज़ धूप है और ये देखिए मेरा बाइक का सर बिल्कुल मेदक का जैसा है। तो दोस्तों हम अभी पहुंच चुके हैं बरुमसा, इस तरफ जाता है बिग बॉय और हम इस तरफ जाएंगे क्योंकि हमको दवाइयाँ वगैरह लेना है और आज बहुत दुकानें बंद हैं। तो गाइस अभी ले लिया ये वाला मलम, अब निकल रहा है उस तरफ बैंक पे तो जाएंगे, मम्मी भी काम वगैरह है। तो दोस्तों हम अभी दवाइयाँ वगैरह लेके जा रहे हैं अपने बाइक के पास क्योंकि मेरा बाइक मैंने गेट के सामने में रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो पूरा बंद है दुकान। और दोस्तों ये है बॉर्डर, ये अरुणाचल और असम का बॉर्डर है, इस तरफ दिखो ज़्यादा ये असम का है और इस तरफ कपड़े का दुकान है सामने में, ये कपड़े ले रहे हैं अपने लोग। A few moments later. तो दोस्तों हम अभी जा रहे हैं घर, एक्चुअली बुरमसा में आता ज़्यादा दुकानें बंद हैं तो साथ हम लोग का गांव वाले मिले, बच्चे मन के सच्चे सारा चौथे के दारू पी रहे हैं, पावर पी रहे हैं, मतलब पावर भर जाएगा ना तो मर जाएगा। मेरे को देख मैं कुछ नहीं पीता, पान तक पी नहीं सकता मैं, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई ना गाइस, और का ही बताए इतना टेंशन हो रही है, इतना प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए गाइस वाओ वाओ मजा आ रहा है पूरी साइड, वाओ मजा है मजा है मजा रहा है। आएगा तो कोरा में आया कास के पकड़ा मेरे को। तो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ और पहले से रुके हुए इधर रुके हुए हैं, पहले से मेरे को ढूंढ रहा है कि नहीं बोलो। हंसी देखो ना, हंसी देखो वाह क्या हंस रहा है। एक्चुअली मेरे को रुका हुआ है कुछ, उसके लिए लाया है ना, अभी रुका भी दिखाता हूँ। जाओ जाओ भग 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 साला, खाने के लिए रुका हुआ है, मेरे पास पैसा हुआ नहीं। One hour later. तो दोस्तों मैं अभी हूँ घर और मैं जा रहा हूँ सब्जी धोने, खाना खा के रेस्ट कर लिया, अब जाते हैं सब्जी वगैरह धोने क्योंकि कल का वीडियो शाम को बना नहीं पाया, इसलिए वो अभी जो रहा हूँ अभी वे सभी जुड़ने जा रहा हूँ। ये क्या बोलते हैं तमुल का पेड़ में वो क्या बोलते हैं हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोगों का बस से हम लोग उससे लोग कहते हैं वो देखते में बिल्कुल कोरोना वायरस का जैसा लगता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए ये है तमुल का बगीचा, ये नए नए पौधे लगाया है और इस साइड में ये तो काफ़ी 10-11 साल हो गया, अभी ये बड़े हो गए, अब ये वाला बड़े हो रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए 4-5 दिन हो गया हम ये कुछ वगैरह थोड़ा तरह ही खाटा है, मतलब ये सिम का पेड़ जो है ना वो ज़्यादा उग गया था, ऊपर में हो गया था, जो लूम्बू है उसको सब काट दिया, जो छोटा वाला है वो अभी रख दिया, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे जंगल को भी काटना पड़ेगा, उपाय नहीं है, टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा। और ये देखिए हरियाली हरियाली हम लोगों का बागीचा। दोस्तों ये है फ्रूट, ये ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश में खाया जाता है ये वाला फ्रूट देखिए, और इस तरफ में ये वाला छोटा है और इधर एक तो है बड़ा वाला, ये शाम को खाएंगे एक्चुअली क्योंकि अरे यार मुझे दो मिल गए और ढूंढता हूँ इस तरफ में बहुत सारे हैं पर दिख नहीं रहा है। अरे भाई ये वाला यहाँ रख देता हूँ और बोलता हूँ दूसरी तरफ क्योंकि रात के लिए तो चाहिए ना खाना वगैरह सब्जी, इसलिए तैयार करना पड़ता है। ये रहा और एक तो मिल गया हमको ये, और उस हम सब्जी वगैरह ढूंढ लिए है, अब एक तो मिला है हमको फाइन एप्पल, ये देखिए
लोकल ऑर्गेनिक पाइनएप्पल बिल्कुल लाल हो गया। अरे मधुमक्खी, यहाँ पर मधुमक्खी है क्या? अरे धो डालता हूँ, बिल्कुल पक गया। ये देखो लोकल वाला पाइनएप्पल, ये देखिए। तो ये है जंगली दुनिया पत्ता, यानी कोरिएंडर कहते हैं इंग्लिश में। और अब चलता हूँ, इसको तोड़ के लेके जाऊँगा घर पे, घर पे जाके इसको खाऊँगा, उसके बाद सब्जी को लेके जाऊँगा और रात को सब्जी को खाएंगे। दोस्तों आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही, क्योंकि और ज़्यादा बनाएंगे तो लंबा हो जाएगी, लंबा होने से देखने में भी वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता है, इसलिए आज के लिए यहाँ में ही समाप्त करते हैं।